जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालखरौदा भोगा नगर पंचायत चंद्रपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएम भूपेश ने की बड़ी घोषणा। प्रदेश में जिन 12 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे, इन समुदाय का जाति प्रमाण पत्र बनने से शासकीय सेवाओं में नौकरियां मिली है, इसके अधिकार सुरक्षित हुए हैं। ये आपके धैर्य, साहस और संघर्ष की जीत है और उपलब्धि का दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शक्ति जिले के डबरा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। साथ ही उन्होंने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चंद्रपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में जनजाति समुदाय ने 12 जातियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया और अपनी खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि ये सरकार किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी सरकार ने आदिवासी को उनके अधिकार वापस दिलाए, उनको तीज त्यौहार और आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बघेल ने कहा कि आदिवासियों की लगभग 1 लाख एकड़ जमीन उद्योग और व्यापार के नाम पर छीन ली गई थी, जिसे हमने वापस लौटाने का काम किया। ऐसे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों को उनकी भूमि वापस की गई है। मुख्यमंत्री ने आज शुरू किए गए स्वामी आत्मनंद कोचिंग योजना की जानकारी देते हुए कहा कि हमने ऐलान संस्था के साथ MOU किया और उसके माध्यम से बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने की शुरुआत हुई है। हमारी सरकार ने युवाओं के करियर निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही मैंने आज घोषणा की है कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में छात्र छात्राओं को PSC की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इस पहल से पूरे प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को अवसर मिलेगा और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक मेहनत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने 100 राजस्व तहसील बनाने का काम किया, जिससे प्रदेश के दूर दराज में रहने वाले लोगों को सार्वधानिक सुविधाएं मिली, जाति, आय, निवास जैसे प्रमाण पत्रों के आसानी से बनने सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने मजबूत ढांचा बनाया है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। धनवंतरी योजना से लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल रही हैं, जिससे उनके पैसों की बचत हुई है। दिनकर भास्कर की खास रिपोर्ट। 60 करोड़ रुपया बचे है। हर बजा पीड़ित योजना होकर लाभ ले थे तो स्वास्थ्य के, शिक्षा के और प्रशासनिक इकाई के बारे में आपसे चर्चा करें। आजकल धान खरीदी के बारे में बड़ा चर्चा है। पहले जब हमारी सरकार है किसान मन के ऋण माफी करें तो भाजपा हमारा संगवारी मन आए कहाँ ऋण माफी करी जिमन लबारी मार, लेकिन किसान के ऋण माफी हुई 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया माफ हुई, 400 करोड़ रुपया नहर भरना की माफ हुई, हुई कि नहीं हुई। पहली साल 2,500 रुपये धान खरीदे सीधा खाता में पैसा जा रही थे, दूसरा साल भारत सरकार के देते बोनस देकर ये बंद कर नहीं तो चौर में नहीं खरीदा। और एक साल के करीब धान बांध के हम बाजार में नीलाम करें, वहां से 1,900 रुपये खरीदे और 1,200 से 1,400 रुपये का नीलाम करें। सरकार घाटा खरीद लेकिन जनता का किसान का घाटा नहीं होंगे, ये कांग्रेस का। कोरोना आई दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, खदान बंद, सड़क बंद, पैसा सरकार तक कहां है सब। वो समय भी किसान के साथ सरकार खड़ा हुई, ये मन किसी 4 किस्म नहीं देते, साल देते थे 1 किस्म से। अब भाजपा समाज मन होती चीज 4 किस्म दे सकते 1 किस्म दे, मैं कहीं ऐसे कर गए जब 21 मई देखो ना तो बैंक से पैसा मत निकाल, 20 अगस्त के पैसा देता तो मत निकाल दे, 1 नवंबर के देता तो मत निकाल दे, 31 मार्च के दो ना 1 के संग्रह का वो पैसा निकाल दे 1 किस्त हो जाए। ये सरकार किसान के साथ खड़े हैं,
पिछले साल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए रहे हैं तो यह किसान मन के हित 1 नवंबर के पहली दिवाली पर जाएगा, क्योंकि अक्टूबर की दिवाली पर थे तो दिवाली तो सुनना हो जाएगी।